भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप फाइनल तो हार गई, लेकिन इस मैच के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इंडिया के साथ अंपायर ने तो बेईमानी की ही थी, लेकिन अब यह खुलासा हुआ है कि रोहित शर्मा आउट नहीं थे, उन्हें बेईमानी के साथ आउट किया गया था। और इसका खुलासा खुद ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ट्रेविस हेड ने किया, जिसके बाद चारों ओर बवाल मच गया है। भारतीय फैंस क्रिकेट के दिग्गजों से लेकर पीएम मोदी ने आईसीसी से मांग की है कि मैच को दोबारा कराया जाए, जिसके बाद आईसीसी के चेयरमैन ग्रेग बार्कले ने रिएक्ट किया है और फाइनल मैच को दोबारा कराने पर कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। पूरी खबर क्या है जानेंगे इस छोटे से वीडियो में। भारत के खिलाड़ियों ने जिस तरीके का जबरदस्त प्रदर्शन किया था, उनके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आप हमें कमेंट में बताइए, क्या रोहित शर्मा वास्तव में आउट थे या नहीं? रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया आईसीसी ट्रॉफी को जीत सकती थी, लेकिन इस बार भी इसमें विफल रहे। बाद में खेले गए वनडे वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया ने दमदार खेल दिखाते हुए लगातार 10 जीत के साथ फाइनल में कदम रखा, लेकिन खिताबी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से हार गई। रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया और इस जीत से टीम इंडिया काफी निराश थी। इस हार के बाद टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी टूट चुके थे और उनके आंसू नहीं रुक रहे थे, जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ड्रेसिंग रूम में आते हैं और सभी को मोटिवेट करते हैं। वहीं मैच के बाद कुछ ऐसे खुलासे हुए जिसकी वजह से भारतीय खिलाड़ियों के जले पर नमक छिड़क गया। लेकिन अब दूसरी फाइनल मैच के बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, और यह विवाद है भारतीय टीम के साथ बेईमानी का। दरअसल अंपायर के गलत फैसले की वजह से भारत को मार्नस लेबुशेन का विकेट नहीं मिला था। यही नहीं, ट्रेविस हेड ने जो रोहित शर्मा का कैच पकड़ा था वो क्लीन नहीं था, क्योंकि बाल जमीन पर लग गई थी और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई थी, जिसके बाद खुद ट्रेविस हेड ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए माना कि रोहित आउट नहीं थे। उन्होंने कहा कि बाल जमीन पर लग चुकी थी, लेकिन उस समय उसके बारे में हेड को पता नहीं था। हेड के मुताबिक अंपायर से गलती हुई, उन्हें कैच चेक करना चाहिए था। वहीं इसके बाद क्रिकेट फैंस, क्रिकेट के दिग्गज से लेकर भारतीय खिलाड़ी भी भड़क उठे हैं और सभी अब मैच को दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि भारत के साथ ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी और अंपायर ने बेईमानी की। और यह भी कहा जा रहा है कि पीएम मोदी भी इस बात से नाराज हैं और उन्होंने भी आईसीसी से मैच को दोबारा कराने की मांग करी है। वहीं ट्विटर पर भी यह बात ट्रेंड हो रही है कि मैच को दोबारा कराना चाहिए, जिसके बाद अब खुद आईसीसी के चेयरमैन ग्रेग बार्कले ने इस पर रिएक्ट किया है और कुछ चौंकाने वाले बयान दिए। ग्रेग बार्कले ने कहा, फाइनल मैच में जो भी हुआ वह भारत के लिए निराशजनक था। मार्नस लेबुशेन आउट हुए थे, लेकिन अंपायर्स कॉल की वजह से बच गए। अगर वह अंपायर आउट देते तो मार्नस लेबुशेन अंपायर्स कॉल के चलते आउट हो जाते। यह पार्ट्स ऑफ द गेम है। ऐसे इंसिडेंट कई मैच में हो चुका है, तो इसे चीटिंग नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह रूल्स के अंदर ही आता है। ग्रेग बार्कले ने आगे कहा, अगर बात करूं ट्रेविस हेड के कैच की, तो वहां पर भारत के साथ जरूर गलत हुआ। अंपायर से गलती हुई थी और ट्रेविस हेड ने भी या गलती की। ऐसी गलतियां अंपायर से और खिलाड़ियों से होती रहती हैं, लेकिन सिर्फ इसके लिए हम दोबारा फाइनल मैच नहीं खेला सकते। ऐसा इतिहास में भी नहीं हुआ है कि एक दो गलतियों के कारण कोई मैच दोबारा खेला गया हो। मैं मानता हूं भारत इससे बहुत निराश है और निराश होना भी जायज है, लेकिन मैच दोबारा नहीं हो सकता। ऑस्ट्रेलिया इस साल की चैंपियन घोषित हो चुकी है और उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, मैच को दोबारा होना चाहिए या नहीं? क्या भारत के साथ बेईमानी हुई है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। बाकी आप लोग इंडिया के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और भी नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।